उसी खाली बनी रखना जो उनका ज्ञान ये जो भला करेगा वसुंधरा जी का और कभी नहीं करता। वसुंधरा जी का भला अगर होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताल ठोक कर कहते हैं कि इस बार भी अपनी योजनाओं के दम पर कांग्रेस की ही सरकार रिपीट करवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के दिल में वसुंधरा राजे के लिए छिपी हमदर्दी सामने आ ही जाती है। अशोक गहलोत वैसे तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के बहाने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन जब बारी वसुंधरा की आती है तो अशोक गहलोत वसुंधरा पर सीधा हमला न बोलकर बात मोदी पर घुमा जाते हैं। गहलोत जी कहते हैं कि अगर मोदी की सभा में कुर्सियां खाली दिखें तो समझ लीजिएगा कि ये वसुंधरा जी के लिए शुभ संकेत है। यही खाली कुर्सियां ही महारानी का भला कर सकती हैं। और क्रिकेट में देख लिया आईना कुर्सी खाली पड़ी नहीं और जो चलन लगे थे और जो कुर्सियाँ खाली पड़ी रखना जो उनका ज्ञान ये जो भला करे मैंने वसुंधरा जी का और कभी नहीं करता। वसुंधरा जी का भला अगर होगा तो कुर्सियाँ खाली करने से होगा ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में एक के बाद एक जनता के लिए कई योजनाएं लॉन्च करते जा रहे हैं, क्योंकि वो ठान चुके हैं कि किसी भी कीमत पर राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस वाली परंपरा को तोड़ना है। लेकिन गाहे बगाहे सीएम साहब कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे लोग उन्हें वसुंधरा राजे का दोस्त कहने लगते हैं। वैसे गहलोत जी ये कहते रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे उनकी कट्टर सियासी विरोधी हैं, तो फिर क्यों गहलोत जी बार बार महारानी का नाम लेते हैं। कुछ वक्त पहले महारानी से दोस्ती को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी सीएम पर सवाल उठा चुके हैं। इसके बाद भी गहलोत जी अपने सियासी मंचों से महारानी का नाम लेकर उनके भले की ही बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।